अपनी पत्नी सुशीला की बातों को सुदामा जी ने बहुत गौर से सुना और महसूस किया कि जैसे उसके बदन में एक नई लहर सी दौड़ गई हो। उसकी मंद मंद चमकती आंखों में जैसे नया तेज आ गया हो, जैसे कि उसकी इस अंधेरी मन रूपी झोपड़ी में एक नई आशा रूपी सूर्य की किरण मार्ग की व्याधाओं रूपी फूस पत्तियों से छनकर दुखी मन के अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दी हो। निराशा की बेहोशी में डूबे सुदामा को अब नई चेतना आई, कहने लगा मिश्राणी से कि मिश्राणी, वैसे तो कृष्ण के पास में जाने में मेरा कोई हर्ज नहीं और मैं वहां जाने के लिए तैयार भी हूं, लेकिन एक बात सोच कि मुझे इस बात का डर है कि मेरे इस फटे हाल में देख कर कभी ऐसा ना हो कि मेरा गुरु भाई मेरा मित्र कृष्ण मुझे ना पिछाने, क्योंकि द्रोणाचार्य के ऊपर भी भीड़ पड़ी थी और उसके मित्र राजा द्रौपदी ने पहचानने से इनकार कर दिया था। संकट में प्यारे मित्र नाती गोती सब किनारा कर जाया करते हैं, यानी कि टोटे में कोई बिरला ही हिमाती होता है। मैं कुछ धन द्रव जाकर के मांग भी लूं और अगर टाल कर दी तो और भी मरना हो जाएगा। और के कहन लगा, कृष्ण धोरे जान मैं कुछ हरज नहीं, मेरी नार मने डर नाटन का लगे, मने डर नाटन का लगे, कृष्ण धोरे जान मैं कुछ हरज नहीं, मेरी नार मने डर नाटन का लगे, मने डर नाटन का लगे। तेरे कहे ते मिश्राणी मैं चौकस जाऊं, ओ पूछे धन दव मैं जरूर मांग के जाऊं, ओ कदे आऊं नहीं पिछान मैं, मेरा जाना हो बेकार नाटन का लगे, मने डर नाटन का लगे, कृष्ण धोरे जान मैं कुछ हरज नहीं, मेरी नार मने डर नाटन का लगे, मने डर नाटन का लगे। सौकार मने डर नाटन का लगे, मने डर नाटन का लगे, कृष्ण धोरे जान मैं कुछ हरज नहीं, मेरी नार मने डर नाटन का लगे, मने डर नाटन का लगे।
सैने मुरारी बहुत घना से शाना के जाना से घनी हान मैं कुल लाऊंगा घड़ी चार मने डर नटन का लगे मने डर नटन का लगे